सारे विद्यार्थियों का स्वागत है। असी नौवीं क्लास का टॉपिक करते पे हैं हीरोज़ फॉर्मूला, हीरो का सूत्र, बारहवां चैप्टर है। ये हुण ही एक्सरसाइज 12.2। ये असी देखांगे किसी चतुर्भुज का कोआर्डिनेटर का एरिया खेत्रफल किस तरह पता करांगे हीरो का सूत्र, हीरोज़ फॉर्मूले को यूज़ करके। ठीक है, जिस तरह मैं तुहाडे एक्सरसाइज का सैकेंड क्वेश्चन लिया है, फाइंड द एरिया ऑफ कोआर्डिनेटर, कहिंदे किसी चतुर्भुज का एरिया पता करो, ए बी सी डी है, उहदी आपां जावांगे गिवन। ठीक है, इत्थे मैं बना लैना पहला कोआर्डिनेटर। ए कोआर्डिनेटर गिवन है, ठीक है, ए बी सी ते डी। इहदी हुण ए बी साइड 3 सेंटीमीटर है, बी सी 4 सेंटीमीटर है, सी डी ये भी 4 है, डी ए 5 सेंटीमीटर है, तो यह भी कितनी है 5 सेंटीमीटर। ठीक है, ए सी इहदा पूरे चतुर्भुज का एरिया पता करना। हुण इहनू असी की कीता, देखो आ डायगनल जिहड़ा विकर्ण ए सी, इन्हें चतुर्भुज के दो हिस्से करते, तो दोवें की आ गए साढ़े को ट्राइंगल्स, त्रिभुज। ठीक है, इहदा मतलब असी हीरो दा हीरोज़ फॉर्मूला वरत के दोवां दा एरिया अलग अलग पता करके उन्हां नूं जोड़ देंगे। क्लीयर, बहुत ही सिंपल है। हुण पहला देखो, एरिया ऑफ ट्राइंगल ए बी सी, आ जिहड़ा ए बी सी ट्राइंगल है इहदा एरिया। ठीक है, इहदा एरिया वास्ते असी हीरोज़ फॉर्मूला ला सकते, तिने भुजावां साडे कोल है आ, नहीं तो एक इत्थे तुसी नोट करो जी, इहदी भुजावां जिहड़ी इत्थे मैं बनाउणा ट्राइंगल ए बी सी, एक भुजा हैगी है 5 सेंटीमीटर ए सी, यह 3 है ए बी, तो यह 4 है। ये तुहानू पाइथागोरस थ्यूरम इहदियां साइड्स जिहड़ी पाइथागोरस थ्यूरम सैटिस्फाई करनगियां। ठीक है, क्योंकि सानू पता है 5 का वर्ग बराबर हुंदा है 3 का वर्ग जमा 4 का वर्ग, इहदा मतलब 5 का वर्ग 25, 3 का वर्ग 9 जमा 16, मतलब 25 बराबर 25। इहदा मतलब इस ट्रैंगल दी भुजावां पाइथागोरस थ्योरम सैटिस्फाई करदी आ, करण हो गया करण दा वर्ग बराबर आधार दा वर्ग जमा सिखर लंब दा, मतलब आ जिहड़ा कोण है फिर 90 डिग्री दा होएगा। तो इत्थे असी क्योंकि राइट एंगल ट्रैंगल सम कोण त्रिभुज, इत्थे इहदा ही एरिया सीधा ही दूसरा फॉर्मूला ला सकते, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। ठीक है, इत्थे लिख लेना बिकॉज साइड्स ऑफ ट्रैंगल ए बी सी सेटिस्फाइज पाइथागोरस थ्योरम। देयरफोर एंगल बी इज इक्वल टू 90 डिग्री, क्योंकि आ ट्रैंगल सम कोण त्रिभुज हो गया। ठीक है, तो एरिया ऑफ ट्रैंगल ए बी सी इहदा एरिया सीधा ही फॉर्मूला हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, यानी कि 1/2 गुना आधार गुना सिखर लंब। हुण 1/2 आधार हो गया ए बी 3, तो सिखर लंब बी सी 4, 2 × 2 कट्टिया गया, यानी 3 × 2 = 6 square centimeter इस ट्रैंगल का एरिया है। ठीक है, इस तरह हुण एरिया कढ़ना है ट्रैंगल ए सी डी का, यह जिहड़ा त्रिभुज है इहदियां 3 भुजावां इत्थे लिख लैने आ। पहली भुजा हैगी है 5, दूसरी भी 5, तो तीसरी 4। इत्थे असी हीरोज़ फॉर्मूला लवांगे क्योंकि इत्थे सानू कोई भी सम कोण नहीं मिलेगा। ठीक है, हुण एस सैमी पैरीमीटर तुहानू दस्सिया सीगा, ए जमा बी जमा सी बटा 2, यानी कि 5 × 5 × 4/2, ये आ गया 5 × 5 = 10, तो 14/2 यानी कि 7। ठीक है, नित्ते लाओ फॉर्मूला एरिया ऑफ ट्रायंगल ए सी डी, ये कितना आएगा फॉर्मूला एस एस माइनस ए एस माइनस बी एस माइनस सी का स्केयर रूट वर्गमूल। हुण एस हैगा साढ़े को 7 × 7 - a 5, फिर 7 - 5 क्योंकि बी भी 5 इत्थे सी, एस माइनस सी 7 - c हैगा साढ़े को 4,
आ गया 7 × 7 − 5 2, ये 7 × 5 = 2 ते 7 × 4 = 3। हुण देखो इहदे तुहानूं दस्सिआ सीगा जोड़े बणाउणे, हुण आह ते जोड़ा बन गया, होर इहदे आह प्राइम नंबर से इहदे फैक्टर्स नहीं बनने, यानी कि 2 × 2 = 4 इहदा वर्गमूल 2 बाहर आ गया ते 7 × 3 = 21 वर्गमूल दे अंदर रहेगा। ठीक है, इत्थे तुसीं 21 दा वर्गमूल सोल्व करके इहनूं पॉइंट्स विच इहदी वैल्यू ही भर सकदे, नहीं तो इधर ही छड्ड दो। देयरफॉर एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटर जिहड़ा पूरा साडे कोल चतुर्भुज है उहदा एरिया, हुण चतुर्भुज दे असीं दो हिस्से सानूं हैगे सीगे, एक ट्रैंगल ए बी सी दूजा ए सी डी, इहदा मतलब क्वाड्रिलेटर दा एरिया इन्हां दोवां ट्रैंगल्स दे एरिया दे सम दे बराबर होएगा, यानी कि एरिया ऑफ ट्रैंगल ए बी सी प्लस एरिया ऑफ ट्रैंगल ए सी डी। हुण एरिया ऑफ ट्रैंगल ए बी सी, ए बी सी दा एरिया ए कढ़िया सी 6, ते जमा एरिया ऑफ ट्रैंगल ए सी डी 2 / √21। ठीक है, इन्हूं चाहो तो सोल्व कर सकते अंडरूट 21 की वैल्यू कढ़ के, ते नहीं तो इस तरह ही इन्हूं रख सकते। ये आ गया पूरे क्वाड्रिलेटर का एरिया, यह तरीका है क्वाड्रिलेटर के अं विकरण नाल उहदे दो हिस्से करांगे, दो त्रिभुज बनावांगे, दोवां दा एरिया कढ़ के उन्हां नूं ऐड कर देंगे। ठीक है, एक होर प्रश्न करते हैं, ये हुण तुहाडी बुक द एक्सरसाइज का 6वां प्रश्न है। एन अंबरेला इज मेड बाय स्टिचिंग 10 रेक्टेंगुलर ट्राइंगुलर पीसिस ऑफ क्लोथ ऑफ 2 डिफरेंट कलर्स, ईच पीस मेयरिंग 20 cm × 50 cm × 50 cm, हाउ मच क्लोथ ऑफ ईच कलर इज रिक्वायर्ड फॉर द अंबरेला। ਕਹਿੰਦਾ ਇੱਕ ਛਤਰੀ ਹੈ ਸਾਡੇ ਕੋਲ, ਡਾਇਗਰਾਮ ਤੁਹਾਡੀ ਬੁੱਕ 'ਤੇ ਬਣੀ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ 2 ਵੱਖਰੇ ਵੱਖਰੇ ਰੰਗ ਦੇ 10 ਟ੍ਰੈਂਗੂਲਰ ਪੀਸ ਕੱਪੜੇ ਦੇ ਜੋੜ ਕੇ ਇਹ ਛਤਰੀ ਬਣਾਈ, ਯਾਨੀ ਕਿ 10 ਇੱਕ ਰੰਗ ਦੇ 10 ਦੂਸਰੇ ਰੰਗ, ਹਰ ਇੱਕ ਕਲੋਥ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਸ਼ੇਪ ਹੈ ਉਹ ਟ੍ਰੈਂਗੂਲਰ ਹੈ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ। ਠੀਕ ਹੈ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ 10 ਪੀਸ ਇੱਕ ਰੰਗ ਦੇ ਲਏ ਅਤੇ 10 ਪੀਸ ਇੱਕ ਰੰਗ ਦੇ ਲਏ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜੋੜ ਕੇ ਇੱਕ ਛਤਰੀ ਬਣਾ ਲਈ। ਅਤੇ ਕਹਿੰਦਾ ਕੁੱਲ ਕਿੰਨਾ ਹਰ ਇੱਕ ਰੰਗ ਦਾ ਕਿੰਨਾ ਕੱਪੜਾ ਚਾਹੀਦਾ ਆ ਇਹ ਛਤਰੀ ਬਣਾਉਣ ਵਾਸਤੇ, ਜੇ ਅਸੀਂ ਇਹਦਾ ਮੀਨਸ ਜਿੰਨਾ ਵੀ ਇਹ 'ਤੇ ਕੱਪੜਾ ਲੱਗਾ ਉਹਦਾ ਅਸੀਂ ਏਰੀਆ ਪਤਾ ਕਰਾਂਗੇ। ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਕੀ ਕਰਾਂਗੇ, ਪਹਿਲਾਂ ਇੱਕ ਤ੍ਰਿਭੁਜ ਦਾ ਏਰੀਆ ਪਤਾ ਕਰਾਂਗੇ, ਉਹਨੂੰ 10 ਨਾਲ ਮਲਟੀਪਲਾਈ ਕਰਾਂਗੇ, ਬਸ ਇੰਨਾ ਕੰਮ। ਠੀਕ ਹੈ, ਹੁਣ ਆ ਜਿਹੜੀ ਹਰ ਇੱਕ ਤ੍ਰਿਭੁਜ ਆ ਇਹਦੀ ਜਿਹੜੀ ਭੁਜਾਵਾਂ 50 cm × 50 cm, ਅਤੇ ਇੱਧਰੋਂ ਬੇਸ ਦਾ 20, ਯਾਨੀ ਕਿ 50 ਇੱਧਰੋਂ 50 ਇੱਧਰੋਂ ਅਤੇ ਇਹ 20। ਠੀਕ ਹੈ, ਹਰ ਇੱਕ ਦੀ ਭੁਜਾਵਾਂ ਸੇਮ ਇਹਦੀ ਸ਼ੇਪ ਹੈ ਸਾਈਜ਼। ਹੁਣ ਪਹਿਲਾਂ ਏਰੀਆ ਆਫ 1 ਟ੍ਰੈਂਗਲ, ਹੁਣ ਏਰੀਆ ਪਤਾ ਕਰਨਾ, ਇੱਕ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਹੀਰੋਨਸ ਫਾਰਮੂਲਾ ਲਾਵਾਂ ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਉਚਾਈ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ। ਏ ਬਰਾਬਰ 50, ਇੱਕ ਪਹਿਲੀ ਭੁਜਾ 50 ਆ, ਦੂਸਰੀ ਵੀ 50 ਆ, ਅਤੇ ਤੀਸਰੀ ਹੈਗੀ ਸਾਡੇ ਕੋਲ 20 cm। ਹੁਣ ਐੱਸ ਐੱਸ ਯਾਨੀ ਕਿ ਅਰਧ ਪਰਿਮਾਪ ਸੈਮੀ ਪੈਰੀਮੀਟਰ ਕੀ ਹੈ, ਏ ਪਲੱਸ ਬੀ ਪਲੱਸ ਸੀ ਅਪੋਨ 2, ਯਾਨੀ ਕਿ 50 × 50 × 20/2। ਐੱਸ ਆ ਜਾਏਗਾ ਸਾਡੇ ਕੋਲ 50 × 50 = 100 ਅਤੇ 20 × 120/2, ਯਾਨੀ ਕਿ 60 cm ਐੱਸ ਦੀ ਵੈਲਿਊ। ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਫਾਰਮੂਲਾ ਲਾਉਂਦੇ ਹਾਂ, ਏਰੀਆ ਆਫ 1 ਟ੍ਰੈਂਗੂਲਰ ਪੀਸ ਆਫ ਕਲੋਥ, ਠੀਕ ਹੈ, ਇੱਕ ਪੀਸ ਦਾ ਏਰੀਆ, ਐੱਸ ਐੱਸ ਮਾਈਨਸ ਏ ਐੱਸ ਮਾਈਨਸ ਬੀ ਐੱਸ ਮਾਈਨਸ ਸੀ ਦਾ ਸਕੇਅਰ। ਹੁਣ ਐੱਸ ਕਿੰਨਾ 60, ਐੱਸ ਮਾਈਨਸ ਏ 60 ਮਾਈਨਸ ਏ ਹੈਗਾ 50, ਫਿਰ 60 ਮਾਈਨਸ ਬੀ, ਬੀ ਵੀ 50 ਆ, ਫਿਰ 60 ਮਾਈਨਸ ਸੀ, ਸੀ ਹੈਗਾ 20। ਇਹ ਆ ਗਿਆ 60 × 10 × 10 × 60 = 20 = 40। ਠੀਕ ਹੈ, ਹੁਣ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇਖੋ, ਆਹ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਇੱਕ ਜੋੜਾ ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਮਿਲਣ ਡਿਆ, ਕਲੀਅਰ, ਇਹਨੂੰ ਲਿਖ ਲਓ 6 × 10, 6 × 10 ਲਿਖ ਸਕਦੇ ਨਾ, ਇਹਨੂੰ ਲਿਖ ਲੈਣਾ ਅਸੀਂ 4 × 10, ਇੱਕ 10 ਦਾ ਆਹ ਜੋੜਾ ਬਣ ਜਾਣਾ, 6 × 10 × 10 ਇੱਕ ਇਹ ਜੋੜਾ ਬਣ ਗਿਆ, 10 × 10 ਇੱਕ ਜੋੜਾ ਇਹ ਬਣ ਗਿਆ, ਅਤੇ ਇਹ 4 ਨੂੰ ਲਿਖ ਸਕਦੇ, 2 × 2 ਇਹ ਵੀ ਇੱਕ ਪੇਰ ਇਹ ਬਣ ਗਿਆ, ਮਤਲਬ 6 ਜਿਹੜਾ ਸਕੇਅਰ ਰੂਟ 'ਚ ਰਹੇਗਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਹੁਣ 10 × 10 = 100, 100 ਦਾ ਸਕੇਅਰ ਰੂਟ 10, ਇੱਥੇ ਵੀ 100 ਦਾ ਸਕੇਅਰ ਰੂਟ 10,
दो दूनी चार दस के रूट दो यह जरा छे स्केर रूट से रह जाए यानी कि दस गुना दस सौ गुना दो दो सौ स्केयर रूट टू स्केयर सेंटीमीटर ये एरिया एक पीस का एक रंग का एक पीस का जो ट्रेंगुलर कपड़ा असं कटिया हूँ ये नाल दे किन्ने पीस यूज हो दस ठीक है तो एरिया ऑफ टेन पीसिस ऑफ क्लोथ वो तुम्हें पता इन सीधा असी दस ना गुणा कर देना एक दिन दस ना कि दस यानी कि दो हज़ार स्केयर रूट सिक्स स्केयर सेंटीमीटर हूँ ये तुम्हें पहला भी दस स्केयर स्केयर रूट सिक्स तो पता कर सकते डिवीजन मैथड में ठीक है अठवीं क्लास में किया है इस तरह देखो पहला दो दुनी चार दो बच गया ठीक है अगे हूँ कुछ नहीं है इतने पॉइंट लगे इतने दो जीरो लाइनी है ठीक है तेन मैथड जिन्होंने पता अठवीं क्लास एक वीडियो होगी इतने वो देख लेनी हूँ यदा डबल करके इतने तो चार नू असी की करना है एक चार एक अंक की संख्या एक अंक इन्ना होर लाना जिहड़ा लाना उन्ना ही गुणा करना ताकि प्रोडक्ट साढ़े के इधर तो छोटा रहे ठीक है बदना नहीं चाहिए बराबर हो सकता है इतने मैं लाना चार तो चार ला चार ना गुणा किया तो मैं चार चौके सोलह तो फिर चार चौके सोलह एक सतारा एक सौ छिहत्तर जो पाँच लाना पाँच ना गुणा करना वह बच जाना सीगा ठीक है हूँ कि बचा साढ़े को एक डेसीमल प्लेस होर कर लो चौबी चौबी हूँ यदा पूरे का पॉइंट नहीं देखना पूरे का डबल किया अड़ताली दो जीरो होर हूँ फिर अड़ताली ना दो अंक की संख्या है एक अंक होर लाना उन्ना ही गुणा करना ताकि प्रोडक्ट साढ़े को कि बजे चौबी सौ मैं पाँच लाना तो पाँच ना गुणा करना पाँच पाँच पी चाली तो दो बताली फिर पाँच चौके भी चार चौबी यह आ गया चौबी सौ पी सू चौबी सौ चाहिए तो मतलब बद गया यानी कि हूँ अड़ताली ना फिर असी चार लावेंगे पाँच ना बद गया तो चार ना गुणा किया सोलह बत्ती तेती तो उन्नी यानी कि उन्नी सौ छत्ती अगे करने की लड़ नहीं इतने पाँच लग गया ठीक है यह आ गया दो हज़ार गुणा दो पॉइंट चार ये अप्रोक्सीमेट वैल्यू होनी है एग्जैक्ट वैल्यू नहीं होनी क्यों क्योंकि तुम्हें पता है जरा साढ़े को वर्गमूल छे है ये अप्रीमय संख्या इरैशनल नंबर ठीक है ये एग्जैक्ट वैल्यू नहीं फाइंड आउट कर सकते इनू तुसी पॉइंट हटा के सोलह के इनू गुना कर दो आंसर आ जाएगा दस नौ यानी कि इन्ना कपड़ा चाहिए सानू एक रंग का ये जी छतरी इस तरह की बनाने वास्ते ठीक है सो धन्यवाद सारे।